कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जब आप बाहर में कैमरे को लगा रहे हैं, आउटडोर एरिया में कैमरे को लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ पर होता क्या कि बहुत ज़्यादा लाइट है, और अगर आपको यह कहा जाता है कि आप आउटडोर तो लेना ही है, प्लस एक रूम है उसको, एक कमरा है उसको भी लेना है, गोडाउन है उसको भी लेना है, बाहर से वो दिखता है, तो अब क्या है कि हमारे आँखों को तो वो नज़र आ रहा है, कैमरा को पूरा वाइट एरिया मिल जाता है और वाइट के बाद अंडर में डार्क एरिया, तो अंदर डार्क एरिया जो होता है कैमरा लेना बंद कर देता है और वो एकदम वाइट एरिया को ज़्यादा लेता है। इससे क्या दिक्कत होता है कि अंदर वाले एरिया को नहीं आता, तो आप कस्टमर को बता देते हैं कि ये जैसा ब्राइटनेस का इश्यूज़ है। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि जब आप बाहर सीसीटीवी कैमरे को, सॉरी अंदर सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करते हैं, तो अंदर वाला एरिया तो है सही तरीके से वो कैमरा ले लेता है, रिकॉर्डिंग कर लेता है, लेकिन जब वो बाहर का एरिया के तरफ जो है आप वो कैमरा जो है वहाँ पर पूरा वाइट आ जाता है, लगता है कि तो वाइट शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, जबकि कुछ भी नहीं देखता। अगर कोई कस्टमर आता है तो वहाँ पर जो है जो पूरी तरह से डार्क नज़र आता है, तो समझ में नहीं आता कि वहाँ पर कौन है और कौन नहीं है। तो कैमरा जब भी इस तरह के रेशियो में लगता है, जो कि इंडोर और आउटडोर की कहानी हो या फिर लाइट का जब प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर आपको कौन से कैमरे को लगाना चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पिछले एपिसोड में PIR कैमरे के बारे में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में जाके देख लीजिए। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा। एक टेक्नोलॉजी है WDR, वाइड डायनेमिक रेंज, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कहानी ये है कि WDR जो वाइड डायनेमिक रेंज जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये किस तरह से सिक्योरिटी कैमरे के सेंसर को मदद करती है कि वो उस हिसाब से वो लाइट को जो है वो ले, उस कमरे में जो है दो तरह का रेशियो है, लाइट और ब्राइट, ये दो कंडीशन है डार्क और ब्राइट का, और दोनों में वो किस तरह से जो है एडजस्ट करके वो कैमरा पिक्चर को, क्वालिटी पिक्चर को ले और आपको क्लियर पिक्चर नज़र आए। WDR जो है वो क्या करता है, WDR जो है वाइड डायनेमिक रेंज इसका फुल फॉर्म, और एक और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होता है कैमरे में DWDR, डिजिटल वाइड डायनेमिक रेंज। दोनों में डिफरेंस को मैं बताऊंगा और खासकर WDR के बारे में मैं बात करूंगा। WDR जो है वो मेजर्ड होता है वो DB में, डेसिबल में, जो कि लॉगरिथमिक यूनिट है। और ये क्या करता है कि डेसिबल आपको पता है कि वो साउंड में यूज होता है, जो कम साउंड और ज़्यादा साउंड हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक रेशियो जो है रेस जो है वो जहाँ कम हो और ज़्यादा हो, वो उसको जो है सही तरह से एक्सपोज करके वो अलग अलग फ्रेम में जो है वो कलेक्ट करके एक पिक्चर बनाती है और वो आपको दिखाती है। तो अब क्या है कि जब आप, मैं कुछ इमेजेस को भी दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल बातें आपको समझ में जितना आए उससे ज़्यादा है कि आप पिक्चर समझ में आ जाता है कि हाँ WDR में ये फ़ायदा है। तो मैंने बताया कि ये 140 dB तक मैक्सिमम होता है किसी भी कैमरे की क्षमता, जो अभी तक फ़िलहाल 140 dB तक होता है, जो कि वो जो लाइट को जो है वो एक्सपोज करके वो जो सारे चीज़ों को जो है वो अपने हिसाब से वो एक्सपो लाइट को, और जहाँ पर कम लाइट पड़ रहा है सभी के पिक्चर को वो एक्सपोज करती है। WDR उस सेंसर का काम है, वो एक्सपोज करके अलग अलग फ्रेम को जो है एक पिक्चर में बनाकर वो आपको पहुंचा देती है और आपको एक क्लियर इमेज मिलता है। ये DWDR और WDR में अगर डिफरेंस की मैं बात करूं तो इसमें जो डिफरेंस वो समझ लीजिए, कुछ कंपनियां जो है DWDR को वो यूज करती है, इस सेंसर को यूज करती है। तो WDR सेंसर और DWDR सेंसर में जो मुख्य अंतर है, डिजिटल वाइड डायनेमिक रेंज है DWDR, इसका काम है सिर्फ लाइट के हिसाब से। ये जो है जो लाइट है, लाइट अगर मान लीजिए कि वहाँ डार्क है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ब्राइट है, तो बस वो लाइट को लो और हाई करके वो एक मैनेज करके एक पिक्चर को वो देती है, ये DWDR का काम है। लेकिन WDR का काम क्या है कि वो लाइट को जो है वो एडजस्ट तो करती ही है, दो रेशियो में जो लाइट है उसको एडजस्ट तो करती ही है, इसके अलावा जहाँ पर कम लाइट है उस पिक्चर को एक्सपोज भी करती है। इसका एक्सपोजर सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा काम करता है और वो एक्सपोज करके सब जो पिक्चर है जो कि काफ़ी कम लाइट वहाँ पर जा रहा है, वो लाइट तो या ब्राइट भी कर दिए, फिर भी वो जो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो पिक्चर उठ के नहीं आ रहा है, ये WDR सेंसर काम करती है। और वो WDR सेंसर जो है जो पिक्चर काफ़ी दबा हुआ है उसको भी वो उठा के आपके सामने लाकर खड़ी कर देती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि WDR और DWDR में अंतर क्या है
और WDR का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो सेंसर का मुख्य काम क्या है, जो समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप CCTV कैमरे को जब भी आप परचेज करते हैं तो आपको ऐसी एक या दो कैमरे में ऐसी रिक्वायरमेंट तो आ ही जाती होंगी कि आपको बाहर भी लेना है, अंदर भी लेना है, आना ही आना है। तो वहाँ पर आप WDR वाले कैमरे को सजेस्ट कीजिए। ज़्यादा प्राइस नहीं है, हाँ थोड़ा महंगा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और बहुत सारे के IP कैमरे हैं जिसमें कि ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट रहता है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो IP कैमरे के पिक्चर क्वालिटी अच्छे होने का कारण ये भी है कि उसमें WDR सेंसर पहले से होता है, बहुत सभी में नहीं होता लेकिन कुछ कैमरे में है। तो वो आपको देखना होगा उसके मॉडल नंबर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि WDR क्या है, और आगे से आप WDR वाले कैमरे जहाँ पर ऐसा कंडीशन हो, लाइट का रेशियो का प्रॉब्लम हो, वहाँ पर WDR कैमरे को यूज़ कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को जाते जाते। धन्यवाद।